हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। हमने 5 क्वेश्चन डन कर लिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1.2, 4.y, x.6 एंड 3.5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये पैरलोग्राम के वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग पैरलोग्राम जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरलोग्राम है, आप क्लियरली देख सकते हो। पैरलोग्राम होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, तो उस फिगर को पैरलोग्राम बोला जाता है। अब हम लोगों को इसके वर्टिसेस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। दिस इज सपोज कर लेते हैं ए 1.2, बी 4.y, देन सी x.6 एंड डी 3.5। तो ये पैरलोग्राम ए बी सी डी और उसके वर्टिसेस हो गए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो डायगनल्स होते हैं यानी कि ए सी और बी डी जो है वो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डायगनल्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, और जो ये पॉइंट है जहां पे ये डायगनल्स एक दूसरे को मिल रहे हैं वो पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी हमारे पास, डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरलोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओ ए रेशो ओ सी 1:1 के इक्वल होगा, और ओ बी रेशो ओ डी ये भी 1:1 के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्से, तो जो रेशो है वो 1:1 बन जाती है। अब हम लोग ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम लोग बाय कंसिडरिंग ए सी डायगनल। हम लोग डायगनल ए सी को कंसिडर करते हुए ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। जब हम लोग मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकलता है, या जब रेशो 1:1 होती है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं। तो इसी तरीके से जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकलेंगे, अगर ए सी को आप डायगनल कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 + x/2, 2 + 6/2। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हम लोगों का बन जाएगा 1 + x/2, और यहाँ पे बनेगा 6 + 2 = 8, 8/2 = 4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ओ के निकल के आ गए जब आप ए सी डायगनल को कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज लेट मी से 1। अब अगेन हम लोग ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम लोग, लेकिन अब हम लोग कंसिडर करेंगे किस डायगनल को, डायगनल बी डी को। फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो 4 + 3 x1 + x2/2, y1 + y2 यानी y + 5/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2, y + 5/2।
अपॉन टू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अब वन और टू से ये भी ओके पॉइंट्स हैं और ये भी ओके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू कि जो ओ का एक्स वाला पॉइंट आया है वो सेकेंड इक्वेशन में एक्स के इक्वल होगा। तो वन प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 7/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 7, ये जो 1 है इसे शिफ्ट कर देंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। वाई कैलकुलेट करना है तो वाई वाली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × y y, 1 × 5 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और 5 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू जो है वो 6 हमारे पास आंसर आ गया, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का डन हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कॉपी होता हुआ, इसको क्लियर करेंगे प्रीवियस सॉल्यूशन को, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें जहां पर ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है और सेंटर आपको गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, दिस इज सर्कल, और इसी के साथ बना लेते हैं ये डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास करता है, तो ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए, ये सेंटर ओ और ये बी। जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स 1,4 है, सेंटर के हमें 2,-3 दिए हुए हैं, ए के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो इसे हम लोग x1, y1 मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप xy भी मान सकते हो, क्योंकि हम लोग जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उसको x1, y1, x2, y2 लेट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x1, y1 लेट कर लिए। अब यहाँ शुरुआत क्या होगी, एज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, सो इट डिवाइड्स ए बी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये ए बी को जो डायमीटर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए ओ है उसका रेशियो ओ बी के साथ 1:1 बनेगा, ये सेंटर पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमें गिवन है 2,-3, और ये सेंटर पॉइंट है, तो आपको पता है सेंटर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2 like this, और एक इसके इक्वल आएगा O के कोऑर्डिनेट्स के 2,-3। x1 की वैल्यू हमें नहीं पता, x2 की वैल्यू 1 है, नीचे 2 आ जाएगा, y1 हमें नहीं पता, y2 की वैल्यू 4 है अपॉन 2 इज इक्वल टू 2,-3। ओके, अब कंपेयर कर लेंगे हम लोग बाय कंपेयरिंग। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x1 + 1/2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 + 1 इज इक्वल टू 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1 आपका शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, तो 4 - 1 3। अब हम लोग कंपेयर करेंगे y की वैल्यूज को, तो y1 + 4/2 इज इक्वल टू -3। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो y1 + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3 -6, और 4 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो
Y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 10 आ गई, तो X1 3 और Y1 माइनस का 10। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन डन हो गया। तो इजी है, मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें रेशो वन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आने वाला है, तो कॉपी हो चुका है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं सॉल्यूशन को, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐसे गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, जो 7 है वो 3 के नीचे है और जो पी है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने ये लाइन खींच दी एक, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे -2, -2, बी के पॉइंट है 2, -4, पी पॉइंट यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, लेट मी से x, y, और अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो मुझे रेशियो पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे रेशियो यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, मुझे रेशियो चाहिए एपी रेशियो पीबी, लेकिन यहां पर तो मुझे एपी और एबी की बात की है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 into AP 7 AP, 1 into 3 3 AB, जो एबी है वो हमारे पास दो हिस्सों में है, दैट इज AP+PB, तो एबी को मैंने AP+PB लिख दिया, 7 AP इज इक्वल टू 3 AP +3 PB, तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी। AP जो है उनको एक तरफ ले जाएं और इक्वल टू में 3 times PB कर दें, 7 -3 4 AP इज इक्वल टू 3 PB, तो AP/PB जो है वो 3/4 के इक्वल है, तो AP/PB का जो रेशियो है वो 3/4 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, यानी कि AP जो है वो 3 हो गई और PB जो है वो रेशियो में 4 आ गई, तो वी कैन राइट AP रेशियो PB, इसे हम लोग M रेशियो N लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सही आ जाए, 3:4 है। ये हमारे पास X1, Y1 है और B को हम लोग X2, Y2 लिख लेंगे। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, X इज इक्वल टू M की मल्टीप्लाई X2 से, N की मल्टीप्लाई X1 से, डिविजिबल बाय M+N। Y के लिए M की मल्टीप्लाई Y2 से, N की मल्टीप्लाई Y1 से अपॉन M+N। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, M की वैल्यू है 3, X2 की वैल्यू है 2, +N की वैल्यू है 4, X1 की वैल्यू है -2, डिविजिबल बाय M+N, ओ सॉरी M और N की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी, यानी कि 3+4, 3 multiply by 2 6 होता है, 4 into -2 -8 upon 7, तो X की वैल्यू -2/7 हो गई। नाउ वी विल कैलकुलेट वाई, एम की वैल्यू 3, Y2 की वैल्यू -4, N की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू -2, डिविजिबल बाय M+N यानी 3+4, 3 into -4 -12, 4 into -2 -8 upon 7, तो -20/7, तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। पी के कोऑर्डिनेट्स -2/7, -20/7, ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर
आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ये 9th क्वेश्चन हम लोगों ने कॉपी कर लिया, क्लियर कर देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -2,2, और बी के लिख लेते हैं 2,8। इसके चार इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, तो मतलब ये सपोज कर ले पी, ये सपोज कर लेते हैं क्यू, और ये सपोज कर लेते हैं आर। तो 1, 2, 3, 4, ये फोर इक्वल पार्ट्स हैं, तो हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। चलिए पहले पी से स्टार्ट करेंगे। 1, पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3। जो पी है वो ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ए पी जो है वो पी बी के रेशियो में 1:3 बनेगा। तो यहाँ पे अभी अपना मोमेंटरली लिख लेते हैं 1, और पी से लेकर बी तक के कितने हिस्से हैं, 3, तो 1:3 आ गया। अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे पता करेंगे, थोड़ा सा बेटर वे में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हम लोग बात करते हैं, एम की मल्टीप्लाई x2 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एन की मल्टीप्लाई -2 के साथ, और नीचे एम प्लस एन यानी कि 1+3, कोमा वाई के लिए एम की मल्टीप्लाई y2 से यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अपॉन एम प्लस एन यानी कि 1+3 इज इक्वल टू 1 × 2, 2 होता है, 3 × -2, 6 होता है, अपॉन 1+3, 4 होता है, 1 × 8, 8 होता है, 3 × 2, 6 होता है, अपॉन 4। तो ये मेरे पास आ गया -4/4, 14/4। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -1,7/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब क्यू की। क्यू जो है वो आपका मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि क्यू से पहले भी दो हिस्से हैं और क्यू के बाद भी दो हिस्से हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्यू जो है वो ए बी को 2:2, और इसको अपन लिख सकते हैं 1:1 डिवाइड ए बी इंटू 1:1, मतलब ए क्यू रेशो क्यू बी इज इक्वल टू 1:1 हम लोग लिखेंगे। देखिए अगर इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, चाहे 2:2 है, 3:3 है, 4:4 है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1:1 ही बन जाता है, तो इसलिए हम लोग इसे 1:1 लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कैसे निकलेंगे, x1 + x2 -2 + x2 की वैल्यू 2 है प्लस का, अपॉन 1+1, 2 होता है, या सिंपली 2 लिखेंगे जो मिड पॉइंट होता है, y1 + y2 / 2। तो -2 + 2 0, 0/2 0 होता है, 8 + 2 5, 10, 10/2 5 होता है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्यू के कैलकुलेट होकर आ गए, तो क्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके चलिए अब हमें आर के फाइंड आउट करने हैं। जो आर पॉइंट है वो ए बी को
3:1 में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 तीन हिस्से और इधर एक हिस्सा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 डाल देते हैं, आर डिवाइड्स ए बी इन 3:1। चलिए तो ए आर रेशो आर बी इज इक्वल टू 3:1। तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अब अपा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एम इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू माइनस 2 और नीचे एम प्लस एन यानी कि 1 इंटू 3 प्लस 1 कॉमा वाई के लिए 3 इंटू 8 सीधा लिख देते हैं 24, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 और डिवाइड में 3 प्लस 1 यानी कि 4। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 4, यह आपका जाएगा 26/4। तो 6 माइनस 2 4 होता है और 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और जब इसे अपन कटिंग करेंगे तो 13/2 बन जाएगा। तो पी क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9th हम लोगों ने फिनिश कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे, इसे कॉपी कर लिया है, क्लियर करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। चलिए तो हमें यहाँ पर रोम्बस दे दी गई है ए बी सी एंड डी, और पॉइंट्स गिवन है 3,0 4,5 -1,4 एंड -2,-1। अब हमें एरिया फाइंड करना है, रोम्बस का जो एरिया है, या फिर रोम्बस एक पैरलोग्राम होती है, तो पैरलोग्राम या रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2। रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते तो इसीलिए डायगनल D1 एंड D2 हमने लिख दिया। डायगनल D1 को अपा AC लेट कर लेंगे और D2 को हम लोग BD लेट कर लेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे एंड BD को भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये डायगनल्स हो गए। तो यानी कि सबसे पहले हमें AC और BD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हमें 7.1 एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। AC जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट A है मेरे पास 3,0 और पॉइंट C है -1,4। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, रूट रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 y1 x2 y2 ये हम लोग लेट कर लेंगे, तो AC जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, x1 3 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। 3 - - प्लस तो 3 + 1 4 तो 4 का स्क्वायर एंड -4 का इधर भी होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है, तो ये कैलकुलेट होके 32 आ जाएगा। 32 के जब अपन फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको 4√2 अपन लिख सकते हैं यूनिट्स। तो AC डायगनल की जो लेंथ है वो 4√2 यूनिट्स आ गई। अब चलेंगे हम लोग BD के ऊपर, जो B पॉइंट है वो 4,5 है और जो D पॉइंट है वो -2,-1 है, तो BD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर
फोर माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 सिक्स, तो 6 का स्क्वायर, और यहां पर भी 5 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 36 प्लस 36, यानी कि √72। और जब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू 6√2, 6√2 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम लोगों को सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। AC जो है वो 4√2 आया है और BD 6√2 आया है। 4 × 6 = 24 होता है, √2 को √2 से करते हैं तो 2 होता है और नीचे 2 आ जाएगा, 2 एक कैंसिल कर देंगे, तो 24 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट हो गया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 7.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।